आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि भाई देखो, एनएलपी की आज क्लास होगी, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, वरना आपकी क्लास मिस हो जाएगी। और आज आखिरी डेट है, 450 का कोर्स है, तो उस कोर्स को ज़रूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चाइना की आज हम बात करेंगे। इंडिया टुडे की एक खबर है और इंडिया टुडे ने बहुत ही तगड़े तरीके से इसको छापा है और मैप के साथ ये बताया है कि किस तरीके से चाइना की जो आर्मी है वो अरुणाचल के पास एकदम तैनात हो गई है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पिछले साल 14 अक्टूबर कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस साल ये 23 अभी की क्या कहते हैं 23 फरवरी की इमेज, और अब तो और ज्यादा ये हो गया होगा। तो यहां पे जरा कंपैरिजन देखो, कुछ है ही नहीं। और अभी देखो, और यही आपको देखने को मिलेगा, चाइना ने जो अपने गांव बनाए हैं, ठीक है, भूटान, नेपाल, तिब्बत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए। भूटान, नेपाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फाइव फिंगर का पार्ट नेपाल, बहुत जो भारत की मुट्ठी है पांच, तो उसमें नेपाल पे कब्जा होता जा रहा है चाइना का। यस, ये बिल्कुल सही बात है। और जहां तक भूटान की बात करें तो भूटान में कब्जा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हां, फिर भी चाइना की तरफ थोड़ी सी हमको इंक्लिनेशन दिख रही है। चीन बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। कल जो इनके ली शांगफू डिफेंस मिनिस्टर, 2 महीने से गायब, कल हटा दिया। यह बड़ा डेंजरस है चाइना में, हालांकि शी जिनपिंग की पोजिशन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अभी जो वेंग कौन थे, वेंग शिंगफी कुछ करते के थे ना, मार्च तक, मतलब दो एक साल तक वो रहे थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको हटा के ली शांगफू को लेके आए थे। और अब 4 महीने के अंदर अंदर 2 महीने गायब, दिखे ही नहीं ली शांगफू, चाइना में दिखता नहीं, गायब हो जाते हैं भाई, और उसके बाद हटा देते हैं। डेंजरस, कितने पीएलए आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया, दे हैव बीन पर्ज्ड। अब क्यों ऐसा हुआ है ये तो शी जिनपिंग जाने, लेकिन ये तवांग है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आप देखिए, क्लैश हुआ था यहां पे बहुत भयानक, ठीक है ना, पिछले साल दिसंबर 2022 में, आपको याद होगा जब चीनी और भारत की सेना भिड़ गई थी, इतना मारा था भारत ने, ये भागे थे दुम दबा के, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। चाइना ने बोला कि कोई क्लैश ही नहीं हुआ है, स्टेटमेंट दिया। और यहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है ये, गजब तरीके से लगभग 60 किलोमीटर दूर तवांग से इन्होंने, जो मैंने आपको दिखाया था, मिलिट्री बना के रखी हुई है, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये जो आपको दो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया पे इन्होंने अपनी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड, छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, हैवी नहीं, लाइट इन्फेंट्री, बट फिर भी यहां पर अपनी पूरी, मतलब पूरी नहीं लेकिन सेना उतारी है। क्यों? जैसे ही क्लैश हुए, मैं आपको कई बार बताता हूं, युद्ध में इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन। हम 1962 का युद्ध इसलिए नहीं हारे कि हमारी सेना दुनिया की सबसे शानदार सेना है, बहुत एफिशिएंट है, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद लड़े और चाइना की बैंड बजा दी। हम इसलिए हारे क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कमी थी हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। मॉडर्न वर्ल्ड में जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी भारत क्यों बना रहा है रोड, क्यों एक के बाद एक एयरपोर्ट बना रहा है। आज भारत का मजाक उड़ाया चाइना ने, श्रीलंका पे इनका सेकंड शिप लैंड किया है, हम्बन तोता पे, श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका ने बेच डाला अपने आप को, पैसे ले लेके बिक गया श्रीलंका, ठीक है, खस्ता हालत हो गई श्रीलंका, बैंकरप्ट है। दो लगातार एक के बाद एक शिप, अब कह रहे कि नहीं सर्वेलेंस के लिए है, लेकिन सबको पता पूरा इंडियन ओशन वो दिखेगा। अब चाइना कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है भारत का, बहुत बोल रहे थे हम तो आ गए यहां पे, है ना, बहुत बोल रहे थे चाइना, भारत बार बार आपत्ति जताई श्रीलंका से, श्रीलंका बोले कुछ नहीं कर सकते, आप कर्ज तले दबे हो, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपको जितना भी समझाओ, जितनी भी बोलू, नहीं बोल भैया उसको मत आने दो, बट आपका कर्ज है उसके ऊपर। तो यही है। तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर अभी गए थे तवांग एरिया में ही गए थे, जब अभी दशहरा पे उन्होंने पूजा की और बोला कि बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, और
यहां पे भारत ने मारा था, बुरी तरीके से मारा था चाइना को। चाइना कभी भारत से नहीं जीत सकता, ये आप मान के चलिए। चाइना कितनी भी आर्मी ले आए, वो कभी भारत को हरा ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि चाइना जब भी लड़ाई हारा है, चाइना दे आर नॉट वॉरियर्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है, वो इंटेलिजेंट रहे हैं बहुत, उनका इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री बहुत जबरदस्त रही है, लगभग सारी चीज पहले चाइना से आई है, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। बट जहां तक वॉर की बात आती, चाइना आज तक कभी, बहुत कम वॉर जीते हैं वो, ठीक है? ये चीज है। और अगर वॉर जीते तो दूसरे की गलती की वजह से जीते हैं। तो इंडियन फोर्सेस ने यहां पे चाइना को पूरी तरीके से रिपेल किया, ठीक है? तवांग सेक्टर में जो झड़प हुई थी, चाइना की स्ट्रेटजी यही रहती है, वो आगे बढ़ते जाता है। अगर आप उसको वहां पे नहीं रोकेंगे तो वो जमीन को कब्जे में ले लेगा और बड़ी दिक्कत है, ठीक है? अब उसके बाद हमने गजब तरीके की डिप्लॉयमेंट की थी, इंडियन ट्रूप्स तगड़े तरीके से डिप्लॉयड थे। जो रिज लाइन थी वो बहुत ज्यादा बेटर थी, रिज लाइन जहां जो एक तरीके का बॉर्डर होता है, प्रिपेयरनेस बहुत जबरदस्त थी, ठीक है? बढ़िया तरीके से रिज बना के प्रिपेयर करके, इंटेलिजेंस कमाल था, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। और कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश आए, हम तो भैया यहां पे पोस्ट रहेंगे, इंडियन आर्मी यहां पे रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, अभी आपने देखा क्यूबा को उठा के ले गए, तो वहां के लोग परेशान है चाइना से। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट भाई, चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, वो मानता ही क्या, वो भारत का पार्ट है? अभी हम बात करेंगे क्यों नहीं मानता है वो भारत का पार्ट है। लेकिन अभी अगर आप सैटेलाइट इमेज की बात करो तो इनकी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड लगी हुई है पूरा, और ये बिल्कुल जहां पे पिछली बार सोना जोंग यहां पे स्टैंड ऑफ हुआ, उसके थोड़ी सी दूर जो लॉन्सेडोंग, वहां पे इन्होंने पूरा का पूरा अपनी सेना उतारी हुई है। तो राजनाथ सिंह जनरल्स के साथ, सबके साथ, आरपी कलिता हो गए, जीओसी कॉप्स लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी हो गए, जो हमारे चीफ है आर्मी के, मनोज पांडे हो गए, उनके साथ देखा, और ये सीधा बुमला पास पे भी ये नजर आ रहा था कि हां भाई इनकी सेना वहां पे है, ज्यादा दूर थोड़ी ना, कितनी दूर है, आप देख सकते हो दूरबीन लगा के। तो अभी चिंता की बात तो बहुत ज्यादा भारत के लिए, हमला नहीं करेगा, टेंशन ना लीजिए, हमला कर ही नहीं सकता, है ना? वैसे भी आजकल हमले बहुत चल रहे हैं, पिछले 2 सालों से अगर आप देखो तो हमले ही हमले हो रहे हैं। तो भारत जो है, इंडिया हैज लेवरेज दिस टैक्टिकल पोजीशन, जो भी हो हम एडवांटेज में हैं, हम हाइट पे हैं, हमको बढ़िया है हमारा, एक तो जिस जगह पे हम हैं हमको एडवांटेज है, और ये चाइना को पता है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी अगर कुछ हुआ भी तो हमेशा चाइना हारेगा, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। जो जिस तरीके से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रिज लाइन और जो नेटवर्क बनाया है, स्मॉल आउटपोस्ट, तगड़े तरीके से हम चाइना को आसानी से, छोटे छोटे आउटपोस्ट बहुत जगह बना रखे हमने, चाइना की एक्टिविटी हमको लगातार, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस है यहाँ पे, कुछ होने से पहले भारत को पता लग जाता है कि ये ससुरे मारने वाले मोमोज खा के, तो फिर भारत भी छोले भटूरे खा के बहुत मारता है, ठीक है? तो वही चीज है। तो अभी लेकिन चाइना ने अच्छा खासा रोड नेटवर्क बनाया है, गांव बना लिए यार, 1959 में भाई जो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है, वहां गांव बन गए, भारत कह रहे कि वो पहले से चाइना, तो चाइना ने पूरा नेटवर्क, ससुरा साला कैमरा ऑफ, ठीक है? तो यहां पे नए गैरिसंस जो हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरा चाइना ने यहां पे नेटवर्क जो है वो बना के रखा हुआ है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट की हुई है, परमानेंट है, सेमी परमानेंट हो तो, लेकिन मैंने बताया ना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अभी अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें, जो अभी रिपोर्ट आई है, तो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी में ये लगा दिए हैं यहां पे, ठीक है? और ये सबको पता है कि चाइना यहां पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, विलेज को बना रहा है, अपनी आर्मी उतार रहा है, जितना हो सके सेना लगा रहा है। जब आप पिटते हो ना, देखिए जो भी हो, चाइना भाई वो मैं झुकेगा नहीं, वो हिसाब किताब है इनका, ये अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी। हम क्यों हारे आपको पता है? हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हारे, हम हेमू क्यों हारा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत करो, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, 1191 जो 1192 में हुई, हम क्यों हारे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, क्यों हारा हेमू विक्रमादित्य, अकबर, भाई मुगल सेना ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है ना कि जब भी आप जीत रहे हो, आपने को हरा दिया, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो बेटा, सीखते रहो, ये सीखते हैं, चाइना पिटेगा सीख लेगा, तो ये पिटे और सीखा इन्होंने कि भैया क्या क्या, तुरंत उसको सही करो, मार्जिन ऑफ एरर ही नहीं, जो कि चाइना के फॉल का भी सबसे बड़ा जिम्मेदार आने वाले समय में बनेगा, ठीक है? तो आपको याद ही है जो अरुणाचल प्रदेश में भयानक तगड़ी जो झड़प हुई थी, उसमें चाइना तो पीटा गया था, चाइना ने बोला कोई क्लैश, कोई कोई झगड़ा ही नहीं हुआ,
अरे झगड़ा वगड़ा कहा कुछ हुआ ही नहीं, भारत ने बोला भाई कोई कैजुअलिटी नहीं, तो चाइनीज स्टेटमेंट आई। अब दोनों ये डिफर कर रहे थे, लेकिन जब से ये हुआ है, देखिए पिछले साल आपने देखा ना कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर इस साल आप देखो तो इसी की वजह से ही चाइना ने क्या किया, मिलिट्री बढ़ा ली वहां पर। अब डिस्प्यूटेड एरिया है वो सारा का पूरा एरिया। भारत इस पर आपत्ति जताता है कि तुम वो एरिया, वो चलो हमारा नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है ना, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट रिजोल्व होगा, बैठ के सॉल्व करेंगे। ये तो वही बात होगी, प्लॉट में अभी कुछ आया नहीं है फैसला, लेकिन घर बना लिया उस पर, तो यही है। अब ऐसे ही क्लैश जो है वो रिपोर्ट हुआ था इस साल भी, काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ये जो कॉन्फ्रेंटेशन, तो क्लैशेस ये रुके नहीं है। और आपको बता दूं कि अभी अगर बात करते हैं तो सुबानसरी रिवर ये नया फ्रंट खोल रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। सुबानसरी रिवर के पास ही जो पूरा आर्मी, तो ये वहां से एक नया फ्रंट खुलेगा चाइना का, तो दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो यही दिखाता है, ईस्टर्न फ्रंट लाइन इंडो तिब्बतन बॉर्डर का जो ईस्टर्न फ्रंट लाइन है वहां पे इन्होंने, और ये गलवान से पहले नहीं था, ये गलवान के बाद आया है, जिसकी वजह से डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। यानी कि अब चाइना अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है, ठीक है, चाइना सिक्किम वाले डोकलाम हो गया या इधर पंगोंग हो गया, उससे हटके अब ये अरुणाचल प्रदेश पे आ रहा है, ये एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी है। चाइना को भी डर है टू फ्रंट वॉर का, सिर्फ भारत को ही नहीं है, चाइना को भी है कि कहीं भारत ना अटैक कर दे, कहीं तिब्बत ना अटैक कर दे, कहीं भूटान, खैर तिब्बत तो चाइना के पास ही है, बट कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कुछ हो जाए, तो चाइना को भी डर रहता है टू फ्रंट वॉर का, तो वो भी अपनी तैयारी किए हुए हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पे नया फ्रंट खुलता हुआ हमको दिख रहा है चाइना की तरफ से, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी की, जो भैया जो सैटेलाइट की इमेजेस आई है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जो वही नया सुबानसरी फ्रंट है ना, यहां पे ये एक नया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जहां पे फौज नहीं होनी चाहिए थी वहां पे भी इन्होंने फौज रख ली है। ओके, ये चीज है। फिर उसके बाद देखिए ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को सिक्योर करना चाहता है। 14 डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल के चाइना का रख दिया था जब अभी चाइना ने अपना नया मैप निकाला था, भारत गुस्सा गया था। अरुणाचल प्रदेश के लिए वो बहुत ज्यादा साउथ तिब्बत बोलता है, टेरिटरी इसकी है, इसीलिए आज नहीं तो कल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पे चाइना हमला करेगा, ये होगा, ठीक है। और जब ये होगा तो मैं यकीन से कहता हूं कि चाइना का हम पार्ट ले जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश तो भूल जाइए, हम चाइना के पार्ट पे कब्जा करेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिंपल सी बात है कि भाई चाइना कभी पोजीशन एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता। भाई यहां अमृता जैश बताती हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मणिपाल एकेडमी में, वो बताते कि चाइना कभी मैकमोहन लाइन को मानेगा ही नहीं, मैकमोहन लाइन को वो मानता ही नहीं है कि काहे की लाइन है ये तो ब्रिटिश ने बनाई थी 1816, हटा इसको। बट अब आप देखिए कि इसने भूटान के साथ पिछले साल बाउंड्री नेगोशिएशंस किए, भूटान के साथ बैठा चाइना, बोला कि तुम्हारी ये बाउंड्री हमारी ये बाउंड्री, भारत की कोई बाउंड्री है ही नहीं चाइना के साथ, मैकमोहन लाइन वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, कैसे नाप सकते हो भाई पहाड़ पे इतना जो वो तुम्हारा इतना, वो भाई बहुत मुश्किल है ये। इसीलिए भारतीय आर्मी को, इंडियन आर्मी का काफी बड़ा पोर्शन वहां पे है ताकि चाइना कुछ बदतमीजी ना कर दे। और चाइना कभी भी, क्योंकि वो चाहता है कि हम सारा का सारा पार्ट ले जाएं भारत का, तो इसीलिए कभी भी नहीं वो चाहेगा कि बाउंड्री सेटलमेंट जो है वो हो भारत के साथ। भारत ने कई बार बोला है कि बैठो भाई टेबल पे, 20 बार बातें हो चुकी है कॉर्प्स कमांडर की जब से गलवान क्लैशेस हुई है, कुछ भी उसमें नहीं निकला। तो अब भारत कई बार बोलता कि बैठो बैठ के बात करते हैं, क्या दिक्कत है, कहता हम नहीं बात करेंगे, हमको बाउंड्री पे बात मत करो, बाकी किसी पे बात करो। तो ये चीज है। तो अब इन्होंने भूटान के साथ तो बढ़िया एग्रीमेंट किया, लेकिन भारत के साथ ये बिल्कुल भी सिलेक्टिव अप्रोच है पूरा का पूरा, कि नहीं नहीं इंडिया के साथ हम क्यों करें, ठीक है, कुछ लगा कुछ आया। तो ये चीज है। बाकी एनालिस्ट यही बोलते हैं कि भाई जैसे अब शी जिनपिंग ने बोला कि हम जो है लोकल वॉर्स को जीतेंगे, रेडी रहो, ठीक है, अगर लोकली होगा वॉर्स या लोकल बैटल होगी तो हम उसको जीतेंगे। देखिए शी जिनपिंग का एक सीधा सीधा रोड मैप है, शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी करके हमको इमरजेंसी सिचुएशन में तैयार रहना है और अपनी आर्मी बढ़ाओ। वो मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं। ली शांगफू जिनको अभी हटाया है, 2 महीने से गायब थे, वो कौन थे, वो थे मिलिट्री एक्सपर्ट, कल ही परसों ही हटाया, हटा दिया, 2 महीने गए फिर हटा दिया, पता नहीं जिंदा भी है मर गए। तो अब ये मिलिट्री एक्सपर्ट थे, मिलिट्री मैन नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी के
में इनका एक्सपर्टीज थी। यानी कि साफ साफ है कि आर्मी के मॉडर्नाइजेशन पे पूरा का पूरा काम हो रहा है, समझ रहे हो, आर्मी को चाइना मॉडर्नाइज कर रही है। और एक आर्मी पर्सन को हटा के एक एक्सपर्ट को, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट को लेके आना, सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी यहां है तो अभी उधर पहुंचेगी, तो यह भी खतरा है भारत के लिए। और भारत को तो स्टेम पे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये बहुत जरूरी है, इस पे इन्वेस्ट करो भर भर के भाई, इन्वेस्ट करो जितना ज्यादा हो सके। और अगर इस पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता है तो देयर इज नो लुकिंग बैक। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि भारत भी बहुत सारे मेजर्स ले रहा है, भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को तगड़े से डेवलप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश इज अ वे टू गो, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वहां पे, जो गांव-गांव में, मैंने बताया ना कि चाइना इस समय डरा हुआ है भारत को देख के और हड़बड़ी में ये सारी चीजें कर रहा है। बॉर्डर टूरिज्म लिए गए हैं कि आइए बैठिए, अभी देखिए इनवॉइस आएंगे तो उनको भी बुलाया जाएगा, दूसरे देशों के, ये देखिए भैया बॉर्डर, वो देख रहे हो, वो चाइना भी हमारा है, वो तिब्बत भी हमारा है, उधर उसके उधर बीजिंग है, वो भी हमारा है, तो सब वो दिक्कत है, वो भारत जो है इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, और ये जरूरी भी है। और अरुणाचल प्रदेश आप भी जाइए, घूम के आइए, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, जबरदस्त। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चिंता तो है भारत के लिए, बट डेफिनेटली भारत इससे निपट लेगा, आर्मी हमारी भी वहां पे अच्छे खासे उसमें तैनात है, ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग, और बाकी जो NLP का जो हमारा कोर्स है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।